लोकसभा चुनाव 2024 के सातवें और आखिरी चरण का मतदान 1 जून को समाप्त हो गया। इसके बाद सभी न्यूज चैनल पर लोकसभा के कुल 543 सीटों का एग्जिट पोल में लगातार तीसरी बार मोदी सरकार बनता दिखाया जा रहा है। एग्जिट पोल आने के बाद मुस्लिम समाज में खुशी की लहर है। संगम नगरी प्रयागराज में बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाओं ने नमाज अदा कर दुआ मांगा कि जिस प्रकार से एग्जिट पोल में भाजपा की तीसरी बार सरकार बन रही है, ठीक इसी तरह 4 जून को आने वाले रिजल्ट में भी भाजपा की ही सरकार बने। 4 जून तक ये एग्जिट पोल बरकरार रहे और 4 जून को ये एग्जिट पोल सत्य में साबित हो, इसके लिए मुस्लिम महिलाओं ने अल्लाह से दुआ की और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। इसके साथ ही मोदी की प्रतिमा को भी मुस्लिम महिलाओं ने मिठाई खिलाकर तीसरी बार सरकार बनाने की बधाई दी। नमाज अदा कर रही महिलाओं ने कहा कि 4 जून को जो रिजल्ट आए उसमें मोदी सरकार तीसरी बार भी पूर्ण बहुमत की सरकार लेकर आए, इसके लिए मुस्लिम समाज की ओर से दुआ किया गया है। मुस्लिम औरतों ने मिलकर नमाज पढ़ी, मोदी जी के लिए दुआ मांगी है कि मोदी जी तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बने, और हम लोग चाहते हैं कि इस बार मोदी जी फिर से आए और हम लोग की फिर से मदद करें आके। जी हम लोग ने 2 महीने तक का बहुत मेहनत की है, घर घर जाके सबको जागरूक किया है कि फिर से आप लोग घर से बाहर निकलिए, सरकार को वोट दीजिए और फिर से एक बार मोदी सरकार तीसरी बार बनाइए। हम लोग घर घर जाके सबसे यही जागरूक करके सबसे यही कहा है हम लोगों ने। आज आप लोग ने क्या किया है? आज हम लोग ने दुआ मांगी मोदी जी के लिए कि मोदी जी फिर से एक बार आए परसों और उनकी जीत हो, हम लोग ने इस चीज़ की आज दुआ मिलके सब लोगों ने मांगी है। आज हम लोगों ने सारी औरतें मुसलमान इकट्ठा होकर हम लोगों ने नमाज पढ़ी है, दुआएं मांगी है कि मोदी जी तीसरी मर्तबा प्रधानमंत्री बने, और आज हम लोगों ने मिठाई मोदी जी को भी खिलाया है। हम लोगों ने सब लोग मिलकर खाएं कि जो परसों का जो है रिजल्ट आने वाला है वो अच्छा है, मोदी जी पूर्ण बहुमत से सरकार लेकर आए। कितनी मेहनत करी थी आप लोगों ने? 2 महीने से हम लोगों ने सब मुस्लिम महिलाओं ने इकट्ठा होकर सबके घरों में जा जाकर हम लोगों ने मेहनत करी है, सबको जागरूक किया था, बस उसी का जो है नतीजा आने वाला है 4 तारीख को। हम लोग उसी के लिए दुआ कर रहे हैं कि इंशाल्लाह अब की दफे हम मोदी सरकार फिर से बने। आप लोगों ने मिठाई वगैरह भी खिलाई है, खाई है, क्या लगता है जीत जाएंगे? जी हाँ बिल्कुल, सब लोगों ने नमाज भी पढ़ी है, दुआ भी मांगी है और मिठाइयाँ खाए हैं, मिठाई मोदी जी को भी खिलाया है हम लोगों ने, और यही पूरी आशा के साथ कि तीसरी मर्तबा प्रधानमंत्री बने मोदी जी। निघत खान। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।